लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा। नाजीन, अगर आप समझते हैं कि आप में कोई भी टैलेंट है तो हमारे शो के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, बिकॉज इट्स शो टाइम। आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं, यहां पर तशरीफ ला सकते हैं और यही नहीं बल्कि अपने फेवरेट स्टार्स एंड सेलिब्रिटी से भी मिल सकते हैं और जी भर के सवाल पूछ सकते हैं। मुझे लगता है मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, मुझे फौरन से रमीज को बुलाना चाहिए। तो तशरीफ लाते हैं रमीज राजा। ब्रिलियंट, वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप मैडम? आई लाइक व्हाट यू आर वेयरिंग। वैसे देखो जी, मैं बड़ा कम पहनता हूँ शलवार कमीज, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस मेरा शटर हो जाता है। नहीं नहीं, आई मस्ट से यू लुक रियली गुड। इसमें मेरी हाइट भी थोड़ी सी पता नहीं चलती मैं कितना छोटा हूँ। आप बिल्कुल ठीक है वैसे, और ये पॉकेट स्क्वायर भी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात है। सो टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए ना, मैं एक कहानी लेके आया हूँ सबके लिए। अच्छा, वो क्या? टाइम इज मनी के ऊपर बात करनी है हमने। अच्छा, वैसे आप वक्त जाया करते? मैं अभी इतनी देर से क्या कर रहे हैं? पाकिस्तानियों के पास जो है ना, वो इसलिए हम अमीर तरीन मुल्क हैं क्योंकि हम टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, है ना? हमारे पास पैसा ही पैसा है। मुझे लगता है मैं भी टाइम जाया करती हूँ, पता है? मतलब मेरा मेकअप? हाँ, मेकअप में तो जाया होता ही है, क्योंकि मेकअप भी ना ज्यादा टाइम के लिए होता है। लेकिन सोशल मीडिया पे भी कभी कभी आप जब स्क्रॉल करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता और घंटों आप टाइम जाया करते थे। वैसे आप इतने एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पे। मैं होने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप जितनी मुझे इंस्टाग्राम पे मार्क करती हैं ना, वो थर्ड पार्टी को चला जाता है। मुझे पता ही नहीं मेरा इंस्टाग्राम कौन उसके ऊपर कर। हाँ, ये मत भेजिएगा मुझे इंस्टाग्राम पे जब तक मैं उसको सॉर्ट आउट नहीं करता। आई थिंक हम अपने ऑडियंस से भी पूछते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये किस तरह से वक्त मुझे ये बताएंगे। अच्छा, बिल्कुल फ्रैंक मुझे आपके जवाब चाहिए, ठीक है जी, कि आप सोशल मीडिया पे कितना वक्त गुजारते हैं और मेरे हिसाब से वो टाइम पास है या टाइम खराब करने वाली बात है। कौन बताएगा जी पहले, किसको दे माइक? ऑनेस्ट रिप्लाई। हाँ। बच्चे, आपका है अकाउंट सोशल मीडिया पे? जी, मेरा इंस्टाग्राम पे। अच्छा, इंस्टाग्राम पे? हाँ जी। अच्छा, तो क्या पोस्ट करती हो आप? समटाइम्स अपने पिक्चर्स और समटाइम्स हाइलाइट्स पोस्ट कर देती हूँ। अच्छा, और आपका फेवरेट क्या है उसमें टॉपिक? किसको देखती हैं, किसको फॉलो करती हैं? काफी हैं एक्टर्स, तो मतलब आप भी हैं उसमें। ये मैं और आप जब होगा ना शो, जब ब्रेक होगी उसके बाद मैं और आप क्रिकेट खेलेंगे, ये कैसा है? फिर आप उसको इंस्टाग्राम पे डाल सकती हैं। अरे वाह वाह वाह, है ना? फिर आपकी और मशहूरी हो जाएगी और मैं आउट भी हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी हालत बहुत पतली है इस उम्र में। अच्छा, और कौन एक्टिव है सोशल मीडिया पे? कोई सेल्फी डाल ली, किसी किस्म का कंटेंट? सोशल मीडिया नापसंद कौन करता है? हाँ, चलो ये बता दें। पेरेंट्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, स्पेशली मदर्स को। वो तो इस चीज़ के बहुत खिलाफ है कि बेटियां उठ के काम नहीं करती हैं, फोन पे लगी रहती हैं, और बेटे बात नहीं सुनते हैं, सौदा नहीं ला कर देते, धनिया नहीं ला कर देते। तो इसलिए इस चीज़ के पेरेंट्स थोड़े से खिलाफ हैं, बाकी तो सब। तो आप हैं सोशल मीडिया पे? यस। क्या पापा की परी के नाम से हो बच्चे? नहीं। वैसे पापा से छुप के परी। अब हम पहले अपने गेस्ट को बुला रहे हैं, पता नहीं आपको आइडिया है या नहीं आइडिया, क्योंकि ये सुपरस्टार हैं और ये हैं 3-in-1 बल्कि ज्यादा। इसलिए कि देखे ना, मैंने टेस्ट क्रिकेट खेली है और 50 ओवर्स तो मुझे T20 नहीं खेली, तो मैं उस तरह का नहीं हूँ प्लेयर जिस तरह के हम इस इन प्लेयर को बुला रहे हैं, क्योंकि ये हर फॉर्मेट में मतलब अपने अंदाज के एक निराले खिलाड़ी हैं। सो बुलाते हैं जी जावेद बशीर साहब को, क्लासिकल और रेट्रो के चैंपियन। एक तो आपका दंड बड़ा जबरदस्त है वैसे, ये हारमोनियम बजा बजा के हुआ है? जी, हारमोनियम। या वैसे कसरत करते हैं आप? नहीं, आपका दंड भी कमजोर है। मेरा दंड कमजोर है इसलिए मुझे ज्यादा लग रहा है। अच्छा, ये जो आपकी जो स्पेशलिटी मैंने बताई है ना, जी जी, वो ये है कि आप कव्वाली के रॉक स्टार हैं। जी जी। और फिर आप गजल भी गाते हैं, फिल्मी गाने भी गाते हैं। सब कुछ गाता हूँ अल्लाह की मेहरबानी से। ये नेचुरल है या ये हादसाती है, क्या है ये? नहीं, नेचुरल होता है, हादसाती नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह की मेहरबानी होती है, उसने आपको ऐसा पैदा किया है। हालांकि ये कवाली और क्लासिकल म्यूजिक, ये दो साइड्स हैं। वही मैं कह रहा हूँ। तो वो अल्लाह की मेहरबानी, मैं दोनों करता हूँ।
जबरदस्त है, ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है सर, आपको बहुत मुबारक हो। जी जी। और अमी सर, हम बात कर रहे थे वक्त जाया करने के बारे में, तो मैं यहाँ पे जावेद साहब से पूछना चाहूंगी, आप ये बताइए कि जो सिंगर्स नहीं होते लेकिन फिर भी गाना गाते हैं, आप क्या समझते हैं वो अपना वक्त जाया करते हैं औरों का वक्त जाया करते हैं? अपना ज्यादा करते हैं। ये है ना, ये नेचुरली चीज है जो कि या होती है या नहीं होती। बिल्कुल। जो कहते हैं ना, मैंने रियाज करके सिंगर बना हूँ या मैं बहुत गाया हूँ रियाज करके, नहीं नहीं, वो सुर और लय बाय बर्थ होता है। अब जब रियाज करते हैं तो उसको क्लैरिटी ले आते हैं, उसमें उसमें पोटेंशियल ले आते हैं, स्ट्रेंथ ले आते हैं, या उसको और भी आप तैयार कर सकते हैं। तो कितनी देर रियाज, अगर मुझे बनना है क्लासिकल सिंगर जी जी, तो मैं रियाज ऑब्लिक जमशेद कितना करूं? मुझे तो लगता है आप रियाज छोड़ दे। रियाज करने से गिरने का खतरा ज्यादा है। रमीज भाई का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि जब ये क्रिकेट खेलते थे तो मतलब इनको हम इंजॉय करते थे, और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं इनके साथ हमेशा, क्योंकि ये भी अपने काम के क्लासिकल बैट्समैन। बिग हैंड फॉर हिम। अब हम अपनी दूसरी गेस्ट को इनवाइट करेंगे और उनके बारे में मैं आपको बताती चलूं, शी इज वेरी पिकी विद हर वर्क, और फिल्म्स करती हैं लेकिन बहुत ही सिलेक्टिव रोल्स चूज करती हैं, और उनका ये कहना है कि शी इज अ मेथड एक्टर, और उनका अगर काम देखें तो आपको बहुत कम नजर आएगा, लेकिन उनकी प्रेफरेंस हमेशा से क्वालिटी ओवर क्वांटिटी रही है। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाती हैं साइमा बलोच। आप बता रही थी कि आप मेथड एक्टर हैं और बहुत रिसर्च करती हैं, तो ये मुश्किल तो होता होगा बहुत, और बहुत कम काम करती हैं फिर गायब हो जाती हैं। हाँ, मैं 4 साल में एक काम करती हूँ, फिर उसके बाद 4 साल बिजनेस करती हूँ, फिर आती हूँ, कुछ करती हूँ, फिर गायब हो जाती हूँ। आई बिलीव इन क्वालिटी। मुझे क्यों ऐसे लग रहा है कि हम टेस्ट मैच की सब लोग फील्डिंग कर रहे हैं? बैठ जाते हैं। अच्छा जावेद साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि ये मैं अपनी एजुकेशन के हिसाब से यकीन करे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप डिफरेंट एरियाज में आप स्किलफुल एक ऑपरेटर हैं, सो ये कितना मुश्किल होता है कि कवाली के अंदाज में आपकी जो एक परवान चढ़ी, उसके बाद आप बाकी शोबों में इतनी ज़्यादा स्किलफुल परफॉर्मेंस? क्लासिकल म्यूज़िक एक वो म्यूज़िक है जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाय बर्थ होना चाहिए, फिर उसमें रागदारी होती है, एक बंदिश होती है, जिस तरह आपकी बाउंड्री है, बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री से आप बाहर नहीं जा सकते, ये बाउंड्री के अंदर रह के करते हैं। राग होते हैं, ख्याल होते हैं, उसमें बंदिशें होती हैं, वक्त का तय्यन किया जाता है कि कौन से वक्त को कौन सा राग गाना है, फिर उसमें विलंबत होती है, जिस तरह आराम से मतलब दरबारी राग ये दरबारी राग सुन के ना मेरा दिल चाह रहा है, दरबारी राग सुन के मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको मशरूब पेश करूं कोई। अरे ये मतलब मुझे आपका वो बनना है दरबार में एक वेटर। अरे अरे, अरे शुक्रिया शुक्रिया। और कवाली का जो जॉनर है रमेश भाई, ये बहुत मतलब रवे सामने अखां दे मेरे यारा, नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा, तेरा हर वेले करा मैं नजारा, तेरा हर वेले करा मैं नजारा, नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा। क्या बात है। अब आपने देखा कि दोनों जॉनर्स में कितना फर्क है। बहुत फर्क। तो ये अल्लाह ताला ने मुझे, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, मतलब मैं बहुत अल्लाह से माफी मांग के आप लोगों से सबसे मैं अल्लाह का शुक्र जितना भी अदा करूं वो कम है। मैं दोनों लेगेसी को लेके चल रहा हूं कि मेरे नाना जो थे वो क्लासिकल गायक थे और मेरे दादा कव्वाल थे, तो इन दोनों मैं लेगेसी को लेके चल रहा हूं। साइमा से हम जानना चाहेंगे, साइमा जब हम द लेजेंड ऑफ मौला जट की बात करते हैं, आपके ही इंटरव्यू में आपने बताया
कि वो जो कैरेक्टर आपने प्ले किया उस फिल्म में उसको ढूंढने के लिए 4 साल लगे जी। तो कैसे पता चला कि वो हीरा यहाँ छुपा हुआ है, कैसे ढूंढा आपको? देखिए हीरा, हीरे की पहचान हर किसी को नहीं होती। वो टाइम था जिन दिनों मैं बिजनेस कर रही थी, काम नहीं कर रही थी। वो 4 साल थे जिसमें उन्होंने पूरी इंडस्ट्री से ऑडिशन लिए थे, हर एक लड़की से उस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दें। फिर सडनली आई केम टू द इंडस्ट्री, फिर मेरी बेताबियां फिल्म रिलीज हो गई, उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ चलो ठीक है अब मैं दोबारा काम करती हूँ। तो फिर मैंने ऑडिशन दिया इस फिल्म के लिए, हमारा हिकमत को जो प्रोड्यूसर है हमारे मौला चटकी, तो अगले दिन मुझे कॉल आई दैट आई गॉट सेलेक्टेड। बिलाल लाशारी ने मुझे, मतलब हमारे डायरेक्टर ने उसमें रज्जो को देखा उस कैरेक्टर में, क्योंकि मैंने उस कैरेक्टर के लिए पूरा गेटअप क्रिएट किया, बिल्कुल उसी तरह इमेजिनेशन में मैंने उसको क्रिएट किया पहले, फिर मैंने ऑडिशन भेजा। एक तो आपका ड्रेस शानदार है, सीरियसली मैंने ऐसा जो है ना फ्यूजन पहले दफा देख रहा हूँ मैं। आई एम वेयरिंग राइट नाउ, आई एम वेयरिंग शादी से पहले पहन लिया है। आप संगीत के चैंपियन है, म्यूजिक डायरेक्शन की तरफ भी निगाह है? जी मेरी जब ये हिंदुस्तान के हालात सही थे तो मैं 6 फिल्में एज एन म्यूजिक डायरेक्टर और एज ए वोकलिस्ट कर रहा था। वाह। तो बस फिर हालात खराब हो सर, नुसरत फतेह अली खान तो देखे ना, वो उनका भी था ना एक, उनकी नजर थी। अभी आप देख ले कोक स्टूडियो में सबसे ज्यादा गाने मेरे हैं अल्लाह की मेहरबानी से, और सारी कंपोजिशंस मेरी हैं, सारे आइडियाज मेरे हैं। और वो गाना इतना रमीज भाई लोगों ने पसंद किया कि वो एक हिस्टोरिकल गाना है। नैना मोरे तरस गए, थोड़ा सा सुना देता हूं। नैना मोरे तरस गए नैना, क्या बात है, मोरे तरस गए आजा बलम परदेसी हाँ, नैना मोरे तरस गए से। अरे अच्छा सर, मेरा एक और भी सवाल है, अब इसी मौजू पे ही रखते हैं। ये जो गला है ना, क्योंकि मैं क्रिकेट कमेंट्री करता हूँ, सो मेरा गला ना स्ट्रगल करता है क्योंकि हम चीखे मारते हैं पागलों की तरह T20 में खास तौर पे। सो आप अपने गले की जो करते हैं हिफाजत, वो कुछ मुझे टिप्स तो बताए ना जो मैं भी इसको लुक आफ्टर कर सकूं, क्योंकि ये जबरदस्त आपका गला है। बिल्कुल, देखिए सर इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिस तरह तान है, मतलब नेरे गमा दा नेरे गारे गानी दा बामा गारे सा। अब ये चीजें मैं कंटिन्यू रखूंगा तो मैं ऐसे अगर कमेंट्री नहीं ना कर सकता। सर आप इस तरह कमेंट्री किया करें। अब आप सुरीली कमेंट्री किया करें। He comes in another balls another bouncer. अच्छा ये जो अक्सर सिंगर्स को हमने जावेद बशीर साहब सुना है जी, वो अक्सर बहाना बना देते हैं मैं गा नहीं सकता, ये मेरा गला खराब है, तो आपने जिंदगी में ये जुमला कितनी बार बोला होगा किसी को? बस जीरो। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका चाहिए गाने। किस किस्म की फिल्में आप देखती हैं और पसंद है आपको? अगर आपको इस वक्त कोई स्क्रिप्ट कोई सुनाए तो किस किस्म की स्क्रिप्ट आपको अट्रैक्ट करेगी कि आप हाइबरनेशन से बाहर निकलें और फिल्म इंडस्ट्री पे छा जाएं? मैं चाहती हूँ कुछ अलग होना चाहिए, बस दुआएं करती रहती हूँ कुछ ऐसी चीजें आए जिसमें मेरा आर्ट जो है ना खुल के निकले। बट कौन सा ऐसा रोल है जिससे आर्ट बाहर निकलेगा? ब्रेड रोल। वो आई कांट एक्सप्लेन। चलो जी, ये दादा की पोती है, दादा के दोस्त ही बैठे हुए ना। मैं तो डर गया मैडम आपको देख के। दादा की पोती यहाँ भी आ गई है यार। दादा की पोती सारी सारी रात सोती नहीं है, पता क्यों रमीश जी? बताएं मैडम। क्योंकि दादा की पोती ने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ देखे हैं जहाँ पता क्या लिखा था। क्या यहाँ मोड़ काटना मना है? लेकिन एक और भी बात लिखी थी। क्या? आहिस्ता चले आगे खतरा है। खतरा भी है खड्डा भी है। तो फिर मेरे दादाजी होते ना ये बैठे होना था इन्होंने इधर, ये ये जो बैठा है ना नीले क्या इंतकामी बिल्ली जैसा मुंह है। मेरे दादाजी होते ना, आपके दादाजी होते ना अगर यहाँ पे तो आपको अपने पास ही बुला लेते। मेरी बात सुनो, ये जो तुम माइक लगा के
गौर से देखो, ऐसे लग रहा समोसे को आंखें लगाई हुई है। अच्छा ये दादा की पोतियां करने क्या आई, मुझे ये तो समझा देना। दादा की पोती यहाँ पे अन्नी डालने हैं या तालियां? अच्छा अन्नी आप कैसे डालेंगे, लाइटें बंद होगी? बात सुने रमीज, बातें तो आप बड़ी बड़ी करते हैं, बड़ी बड़ी कमेंट्रियां की हैं। आपको पता है मेरे दादा को बातें करते हैं, सेट किसने बनवाया है? किसने? अब तुम सोचो कि मैं कहूंगी दादा ने? हाँ? नहीं, फिर किस? कारपेंटर ने बनाया। समीक्षा मैं आप डरना नहीं है, ये नकली है। कहने की जरूरत नहीं है। वैसे इलेक्शन नहीं जीती आप महा, मुझे तो अफसोस है। क्या धमाकेदार दबंग किस्म की जो है ना तकरीर की आपने, लेकिन क्या फायदा हुआ? इलेक्शन जीत के ना तो क्या कर रहे हैं, दिल जीतते हैं और मैंने जीत ली है। आप ये सारे स्पेल में ब्राउन रंग पहन रहे हैं क्यों? क्योंकि मेरी उम्र इसी का तकाजा करती है, इस रंग का। रमीज, एज इज जस्ट अ नंबर ब्रो। मैंने अपने दादाजी पे गाना लिखा है। क्या जी, जी बताए। वैसे आप जावेद साहब के साथ गाए ना, वो कोलैबोरेशन करते हैं। चलें आप उनको चेक करना चाह रहे हैं, चलें। बेचारे मेरे साथ गा के उनका करियर ना खराब हो जाए। नहीं नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं। मैं आपकी बहुत छोटी सी फैन। अरे थैंक यू, शुक्रिया। मेरे साथ गाना गाएंगे सर? जरूर गाऊंगा। क्यों सर, आप खड़े होके गाएंगे? बिल्कुल आए। आज इबादत रूबरू हो गई, जो मांगी थी, जो मांगी थी उस खुदा से गुफ्तगू हो गई। इतनी अभी तेज नहीं मैं चला सकती, अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ। तीनों हजरात अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये जो सेगमेंट में बहुत सारी चीजें होने वाली है, और सबसे पहले ऑडियंस के सवाल हैं हमारे गेस्ट को लेके, किसी को भी लेके। हिना ने इतनी देर क्यों लगाई तैयार होने में, ये भी सवाल आपका बन सकता है। जी जरूर। सो माइक है, तो जिसने पहला वार करना है उसके लिए हम तैयार हैं। मेरा क्वेश्चन जो है वो जावेद सर से है जी, कि जो आपका गाना है कदी आमिल सावल यारवे, तो ये बहुत से सिंगर्स ने गाया है, लेकिन आपको किस सिंगर का ज्यादा अच्छा लगा? ये तो गाना मैंने ही पहले गाया है, लेकिन किसी सिंगर का नहीं पसंद आया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने गाया इंडिया में, बहुत सारे मतलब बेशुमार आर्टिस्टों ने गाया, और ये गा के बहुत सारे आर्टिस्ट विनर बने हैं जी। तो मैं इसको इस तरह कह देता हूँ, किसी की दिलाजारी ना हो, जिसने भी ये गाना सुर में गाया है वो उसने अच्छा गाया, और मेरे लिए वो बहुत ऑनर की बात है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ जी, तो योर सवाल, क्या आपको गोहर ऋषि से अभी भी डर लगता है? वो मुझसे डरते हैं। उनको लगता होगा मुझसे डर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जावेद सर से मैं करना चाहती हूँ, दो बोल सुनना चाहती हूँ उनसे, क्योंकि लाइव में आपकी आवाज तो बहुत खूबसूरत है। कौन सी? घर आ जा। नहीं दिल लगता। नहीं अली दिल लगता। सुनाता हूँ। थैंक यू सो मच। ये गाना मेरा इंग्लैंड से आया था, कस्टम में चेक हुआ था। हाँ यस, कह रहे इंग्लैंड से आया था। इंग्लैंड से आया था, कस्टम बहुत पड़ गया था। ये गाना घर आ जा, नहीं ओ दिल लगदा मेरा, वाह आ जा, नहीं ओ दिल लगदा,
क्या बात है। उड़ मेरे हानिया दिल दे जानिया तेरिया उड़ीका विच मुख चले सावे घर गाजा नहीं हो दिल लगदा मेरा क्या बात घर आ जा नहीं हो दिल लगदा तेरे गाऊं लग जावण मैनू तेरा बाल विंगा ना होवे लोका चारी हसने आ दिल चोरी चोरी रोवे आशक दा दिल शीशे वरगा लगे ठेस ते टूट खलोवे मंजूर मिया ओदा जीना की है जेदा दर्दी कोई ना होवे वे घर गा जा नहीं ओ दिल लगदा आ मेरा आ जा नहीं ओ दिल लगदा दिल लगदा दिल लगदा सर इसमें जो आपकी ग्रेटनेस है ना वो ये है कि जब हम समझते हैं ना कि एंड हो जाएगा उसमें फिर भी आप उसका डिले करते हैं एंड शुक्रिया तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा जावेद बशीर साहब आपसे मैं जानना चाहूंगी कि मैं मुखड़े तू नजरा हटावा नुसरत साहब का क्या खूबसूरत गाना उसको दोबारा गाकर हिट होना मैं कहती हूँ किसी करिश्मे से कम नहीं है और आपने उसको बिल्कुल सही कहा आपने जिस तरह से उसको गाया मैं कहती हूँ कमाल आपने किया उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए। इसमें मैं बड़ा लकी रहा हूँ कि आई वॉज इन मुंबई और मैं किसी शो के सिलसिले में गया हुआ था तो ए आर रहमान जी की मुझे कॉल आती है जी। और ही सेड के मैं ए आर रहमान से मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं तो जावेद हूँ मतलब हाँ। नहीं 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 मैं मुझे ए आर रहमान से बात करनी मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ। मैंने कहा मैं सर जावेद बशीर हूँ। कहते मैं फिर ए आर रहमान बोल रहा हूँ। वो उसमें मैंने एक सरगम की थी रमेश भाई वो पूरी दुनिया में मतलब ब्रिटिश नॉर्वे पूरी दुनिया में स्कूलों में लोग उस पे करते हैं वो सरगम थोड़ी सी देंगे उसका बिल्कुल सुना दें। ये फिर लोगों ने बहुत पसंद किया। रहमान जी मुझे बोलते हैं कि मैं लंदन में हूँ और रात को 2 बजे मैं मतलब आ रहा हूँ तो वर्ली में उन्होंने फिर मुझे इस गाने की वजह से 2 फिल्मों के मुझे अलाप दिए थे तो बैकग्राउंड दिए थे। कहते मुझे बहुत पसंद आया नहीं तेरे जा हो जैसे। हमारा एक सेगमेंट है मैं चाहता हूँ आप दोनों उसमें इंगेज और इन्वॉल्व रहें क्योंकि आप दोनों के लिए वो सेगमेंट है। सो सेगमेंट ये है कि हम क्रिकेटर्स की आपको तस्वीर दिखाएंगे आपने उनको रेट करना है कि कौन सा क्रिकेटर कैसी सिंगिंग कर सकता है। अच्छा। और मैडम आपने रेट करना है कि कौन सा क्रिकेटर किस किस्म का कैरेक्टर एक्टर या एक्टिंग कर सकता है। चलो जी दिखाएं जी स्क्रीन पे देखेंगे ये हैं जी इंजमामुल हक साहब। सो मैं आपसे मैडम बलोच पूछूंगा कि ये किस रोल में आप इनको देखना चाहेंगी। अब्बा अब्बा, अब्बा का कैरेक्टर हाँ, अच्छा अब्बा कर सकते हैं तो मैं इंजमाम को फोन करके कहूंगा अब्बा जी की हाल है। अगली पिक्चर ये है बाबर आजम ये हमारे पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं। इनके लिए कौन सा इनको रोल देंगे हाँ, विच कैरेक्टर भाई का है जी भाई का हीरो नहीं लग रहे आपको मतलब भाई वो जो के भत्ता लेता है या वो नॉर्मल भाई जो बहन को संभालता है। रोल इनका क्रिकेट टीम में भी यही है अच्छा, ये सबको संभालते हैं हाँ, तो देखिए सही कहा ना फिर बिल्कुल सही कहा। गुड वन सिंगिंग में क्या इनको सूट करेगा भंगड़ा भंगड़ा हो सकता। नेक्स्ट पिक्चर चलो जी लो जी ये आप बताए इनका नाम आजम खान है ठीक है और ये जो हैं ये विकेट कीपर है और बल्लेबाज हैं इनके लिए आप क्या रोल सजेस्ट करेंगी। एग्जैक्टली ये वो जो घर में अपने दांत कूट के फ्रिज से खाना खाते हैं चुप चुप के खा रहे होते हैं फिर पकड़े जाते हैं अच्छा, ये वो कैरेक्टर है। ठीक है ठीक है मतलब मेरा है कि ये बूफे पे अटैक करेंगे ठीक है। इनको कौन सा आप राग पसंद करेंगे देना। ये मेरा ख्याल सारी दुनिया के राग खाएंगे The next picture, जी। ये हैं शाहिन शाह आफरीदी ये तेज बॉलिंग करते हैं लेफ्ट आर्म तेज बॉलर हैं। हीरो 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 का हीरो वाह 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 हाँ सर इनको कौन सा राग आप सौंपेंगे। मुझे सिंगिंग का मैं तो उसी वाले से बात करूंगा जी। ये
पिंडों के जो गोरे होते हैं ना, एग्जैक्टली पाकिस्तानी गोरे, मतलब जो लंदन से 6 घंटे बाहर रहते हैं जहाँ ना दिन को ट्रेन जाती है ना रात को, लेकिन ये बहुत मतलब अच्छा गा सकते हैं पश्तो वेस्टर्न पश्तो। अच्छा साइमा, अब हम आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे कुछ एक्टर्स की, और आपने फॉरन से बताने हैं व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड जब आप वो पिक्चर देखती हैं, ठीक है? ओके जी, प्लीज। माहिरा खान, बर्गर। बर्गर। माया अली, डांस करने की नाकाम कोशिश। ओके आयजा खान, ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल, ओके। नेक्स्ट फवाद खान, हैंडसम। ओके जी, थैंक यू सो मच। अब हम जावेद साहब के पास जाएंगे। जावेद बशीर साहब, हम कुछ सिंगर्स की पिक्चर्स आपको दिखाएंगे, जो भी आपके जहन में आता है कोई ऐसा वर्ड कोई ऐसी लाइन आपने फौरन से बोल देनी। बिल्कुल ठीक है जी, आप तैयार हैं? जी 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 जी। अली सेठी, अच्छे एक्टर हैं। अच्छे एक्टर हैं, ओके सर जी। आसिम, ये भी अच्छे एक्टर है। ये भी अच्छे एक्टर है, ओके जी। अली जफर, ये अच्छे सिंगर तो हैं ही लेकिन एक्टिंग का भी शौक है इनको। अच्छे सिंगर तो हैं ही लेकिन एक्टिंग का भी शौक है। ज्यादा बेहतर क्या करते हैं, एक्टिंग या सिंगिंग? एक्टिंग। एक्टिंग, तो इनको सिंगिंग छोड़ देनी चाहिए? नहीं नहीं, सिंगिंग जो जितनी कर रहे हैं माशाल्लाह करनी चाहिए, अल्लाह इनको तरक्की दे। राहत फतेह अली खान साहब, उस्ताद। उस्ताद, ओके ओके, एंड दैट्स इट। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन अभी लेंगे एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए शो टाइम विद रमीज राजा। वेलकम बैक, हम फिर से यहां पे मौजूद हैं और हम अब रैपिड फायर का एक राउंड शुरू करने वाले हैं, और ज्यादा फायर नहीं मैं करूंगा क्योंकि आगे से मुझे जवाबी कार्रवाई में बड़ा जबरदस्त हमला होने वाला है, तो मैं थोड़ा सीधे बल्ले से खेलूंगा यहाँ पे। जी जावेद साहब रेडी हैं आप एक रैपिड फायर का राउंड खेलते हैं? आपके लिए मैं हमेशा रेडी रहूंगा। मेहरबानी सर। वाह वाह वाह। अच्छा ये बताएं सर, गायकी में इन स्विंग क्या होती है? ओ हो, क्या सवाल पूछा सर आपने। गायकी में जो इन स्विंग होती है वो मैं समझता हूँ कि सरी का चढ़ जाना या सरी का उतर आना। सरी एक ऐसी चीज है जो मतलब यूं चढ़ जाती है यूं उतर जाती है, वो बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। अच्छा, और फिर इन स्विंग का पूछा है तो गायकी में आउट स्विंग का भी बता दें। हाँ, आउट स्विंग है कि आपने 3 पल्ले उठाए हैं त्याई के, आपने परफेक्ट मारे हैं और वो मुझे लगता है कि वो गिनी ना हो या वो काउंटेबल ना हो, वो हिलबती हो और 3 पल्ले आए। अरे वाह, हाँ ठा करके, उसको आउट स्विंग कहते हैं। अच्छा गायकी में और या क्लासिकल मौसीकी में बताएं नो बॉल क्या होती है? नो बॉल ये होती है आप बसोरा गाएं। अच्छा क्लासिकल गायकी में बॉल टेम्परिंग क्या होती है? होती है नहीं, वो नहीं होती क्योंकि इसमें आपको सुर में गाना पड़ता है और लय में गाना पड़ता है। अच्छा अच्छा ये मुझे बताएं, एक गुलूकार का सिक्सर कब लगता है या उसमें क्या चीज होती है कि वो कहेंगे जी सिक्सर है ये? ये बहुत बड़ा सवाल किया, ये जवाब देना भी बड़ा मुश्किल है, ये मेरे अल्लाह की मेहरबानी है। आप शुरू से लेके ए से लेके जेड तक सुर में और लय में और रचाओं में गाएं, ये आपका सिक्सर है। अरे वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। साइमा आपसे पूछना चाहूंगी, पसंदीदा किरदार कौन सा है, मौला जट या नूरी नाथ? मौला जट, आई ऑलवेज गो फॉर पॉजिटिविटी। मेकअप में सबसे ज्यादा कौन सी प्रोडक्ट यूज करती हैं, बेस या लिपस्टिक? लिपस्टिक, ओनली लिपस्टिक। ओनली लिप्स, अभी बेस नहीं लगाई हुई? अभी तो लगाई हुई है काम के लिए, यूजली मतलब पर्सनली जब यूज करते हैं तो ओनली लिपस्टिक। ओके ठीक है, रज्जो के बारे में बता दें। मैंने तो थोपी हुई है, बस थोप के लेप लगाई हुई है यार। ये बताइए कि रज्जो के अलावा कोई और कैरेक्टर अगर करना होता इस फिल्म में तो कौन सा करती? रज्जो कोई भी नहीं। सोनी है, सोनी है, तुन ताना तुन 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 तुन। चलो जी, सोनी है, सोनी है। चाहत साहब, मैंनू ते तिहारत साहब लग रहे हैं। स्पेशल बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बैठे, आप लोग बैठे। अच्छा आप तो खड़े ही नहीं है, कोई बात नहीं। कोई भी रवि भाई, मुझे पहचाने में कौन हूँ? आपने मुझे बड़ी उजलत में बुलाया, मेरी ताजपोशी जो है वो और इसी खामोशी से, और मैं वो छोड़ के आया हूँ। अरे बड़े बड़े लोग आए हैं। ओहो दूर रहे आप, इधर इधर रहे। क्यों ये करंट मारते हैं? लगता है उन्हें सांवरी जादूगर का शो करके आए। वाह सोनिया, सोनिया, मैं
सच भाई बहुत अच्छे सच भाई थैंक यू वेरी मच मेरी ना ख्वाहिश है इतने बड़े आर्टिस्ट है जावेद बशीर पूरे नॉर्वे में भी ये जाते हैं लेकिन नॉर्वे में मैं नहीं जा सकता उन्होंने ढक्कन बंद कर दिया जिन्ना ना मलंग होता ना मेरा भाई बहुत अच्छे ये जी माशाल्लाह तरी लंका के दो फैमिली के चश्मो चरा चश्मो मुझे ये बताए कभी आप बेरोजगार हुए हैं जिंदगी में क्या पूछ लिया एक दफा बेरोजगार हुआ था जॉब चली गई उसके बाद मैं खुश हो गया मतलब अच्छा। खुशी में जिंदगी गुजार रहा था जी फिर दोस्त आया बोलता है यार तुम डिप्रेशन को अपने ऊपर तारीफ क्यों नहीं करते एफर्ट करो डिप्रेशन में जाओ ये क्या तुम हंसी खुशी घूम रहे हो मैं यकीन जाने डॉक्टर के पास गया रवि भाई डॉक्टर को बोला मैंने कि डॉक्टर साहब ना मेरा दिल लगता है ना काम करने को कुछ दिल करता है तो क्या करूं आप मर जाए आप और मैं ना मिलके एक कोलैब करें अल्लाह ना करे ऐसा बात अच्छा कोलैब तो आप शायद साधों के साथ करेंगे मैं शायद लैब में करूं आपको पता है मैंने बड़ी हम इकट्ठे मिलके कुछ खराब करते हैं बनाते हैं आजकल किस गाने को बर्बाद करें ये सवाल है मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं तुमसे नाच हूँ जल्दी जल्दी में यहाँ आते आते मैं 6 बज के साबुत खा गया अंदर पड्डा भी चल रहा है जंग हो रही है यकीन बड़ी दूर से आया हूँ मुझे एक बात बताए मुझे क्यों लग रहा है और आप दफा दूर हो जाए ये तो आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं दफा हो जाऊं नहीं नहीं लेकिन इससे पहले हम एक अगर जुगलबंदी कर लें जी जी बिस्मिल्लाह करें आप अल्लाह की बंदी भी थोड़ी इंजॉय करेगी लेकिन मेरी ऑफर आपके लिए अब भी है आप और मैं स्क्रीन पे आग लगा सकते हैं पूरी पब्लिक चीखे मार के बाहर निकल जाएगी जरूर जरूर बाहर निकल अच्छा जुगलबंदी अगर हो जाए जुगलखोरी करो म्यूजिक दीजिए जी खराब म्यूजिक दीजिए जी बांसुरी मेरे सर पे मारो जी आज तबला मेरे मुंह पे मार दे गिटार वाली करंट है इसमें मुझे लगा दो मैं अपने आप को मैं आपके सामने पेट्रोल डाल के आग लगाऊंगा शुरू करें आप पहले आ करें मैं नहीं आ रहा मुझे काम में बिजी हूँ मेरे डिजाइनर का नहीं पूछा आज आप ये जो इन्होंने पहना हुआ है ना कुर्ता ये दो खोता बोस्की है सर मैं जावेद बशीर साहब को इस बात पे दाद देना चाहता हूँ वाह 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 भूल के चाहत साहब मेरी बात सुने जी इतने बड़े सिंगर आए हुए आपको किसने कहा था आज हमारे शो में आए देखिए मैं मुझे बड़ा ना इश्तियाक था क्योंकि देखिए मैं जो सुर बिगाड़ने का काम करता हूँ ये सुर सवारने का काम करते हैं वाह वाह और मैं सोच रहा हूँ ये अगर मिल जाएंगे ये न्यूट्रॉन और प्रोलॉन ये क्या एक नेक्सस क्रिएट करेंगे जाते जाते रमीज भाई मैं आपको तोहफा देना चाहूंगा really? मैं आपको फूल पेश करना चाहूंगा अरे क्यूट मैं बंद गोभी का फूल हूँ अपने पास नहीं अच्छा जावेद साहब आपसे गुजारिश है कि कुछ आखिर में चलते चलते कुछ संगत हो जाए और मैं चाहूंगा कि आप अपने बेटे के साथ गाएं लाइव कुछ सेशन जैमिंग का हो जाए जुनेद बशीर साहब और जावेद बशीर साहब आइए जुनेद कोई नदियां तरवैसा दुखा नल नहीं मरदी तू छड़े आते मर वैसा हाँ दुखा नल नहीं मरदी तू छड़े आते मर वैसा केड़े वेले याद सजना दियाई केड़े वेले याद सजना दियाई वेले दी नमाज भूल गई केड़े वेले याद
सजना दियाई वेले दी नमाज भुल गई अखा भिज गईया हो अखा भिज गईया जिंद घबराई हाँ अखा भिज गईया जिंद घबराई वेले दी नमाज भुल गई केड़े वेले याद सजना दियाई वेले दी नमाज भुल गई नहीं नहीं जगा गा 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 सा थैंक यू सो मच। हम एक अब सेल्फी लेंगे सर, फिर आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं, तो चलते हैं, वो हमारा स्पॉट है सेल्फी के लिए।